भी कुछ कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन इसकी सारी पीडीएफ बच्चों उन वाले बच्चों को ऑलरेडी दे दी गई है, तो वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुमसे आगे निकल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बच्चे, तो उनसे उन्हें आगे मत जाने दो। 6 मार्क्स को पाने की चाहत में खोली हुई इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बिल्कुल सही वीडियो ओपन की है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ 6 नंबर की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा पूरे 80 नंबर की, जो आपके लिए जरूरी है। अगर इस वीडियो को एंड तक सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, तो ये भी क्रैक कर पाओगे कैसे 80 नंबर ला सकते हैं। भाई देखो, आप लोगों को 3 सेक्शन आने वाले हैं। पहला सेक्शन, आप लोगों को वहां पे स्पीड चाहिए, एक पैसेज को 15 मिनट में खत्म करने की ट्रिक चाहिए और किस तरीके का सवाल आएगा ये चाहिए, दूसरे नंबर पर ग्रामर है, पैटर्न चाहिए लेटर का, एनालिटिकल पैराग्राफ का, और ट्रिक चाहिए ग्रामर की। तीसरा सेक्शन है आप लोगों का लिटरेचर, जिसमें आपको कीवर्ड चाहिए और कैसे अप्लाई करते हैं, और वो सही मेंटोर के अलावा कोई नहीं बता सकता, जो हम आपको बता रहे हैं हमारे गूगल मीट पर। और मैं बता दूं, मेरे खुद 95% मार्क्स आए थे इंग्लिश में, कब, जब मुझे एक सही मेंटोर मिल गया था, और वो भी आखिरी के कुछ चंद दिनों में, मैंने तो 5-6 दिनों में वो क्रैक कर लिया था, क्योंकि उन्होंने बस मुझे बताया था ऐसे 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 जाके कर लेना, बिकॉज टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कैसा पेपर आता है। और यही आप लोगों के साथ होने वाला है अगर आप हमारे इंग्लिश के मार्क बूस्टर में आ जाते हैं, जो कि सिर्फ 199 रुपीज का है, जो कि पहले फ्री था, फिर मैंने कहा था कि वो फ्री से पहले ही खरीद लो, पेड होने से पहले, अब वो 199 का हो चुका। और अगर उसके साथ आप लोग कोई सा भी साइंस, मैथ, एसएसटी किसी का भी मार्क बूस्टर लेते हैं बच्चों, तो वो मार्क बूस्टर आपको मिलेगा, और इसके साथ वो पड़ेगा बच्चों सिर्फ और सिर्फ 249 का। मतलब इसमें इंग्लिश भी मिल जाएगा, कोई एक मार्क बूस्टर भी मिल जाएगा, और साइंस में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, और वो 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी और साइंस के भी, अगर साइंस वाला लेते हैं तो, जो एग्जाम में आने वाले हैं। आइए बच्चों, तो मैं यहां पर अब क्वेश्चन की बात करना चाहता हूं आप सभी लोगों से, इस क्वेश्चन के बारे में आज अब मैं बात करूंगा। इसके अलावा और जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ चाहिए तो कैल्विन लाइव ऐप में मिल जाएगी। व्हाट इज द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह इन द लाइट ऑफ हिज ऑनेस्टी, उसकी ऑनेस्टी। अब उसकी ऑनेस्टी तो सुनते ही आप बोल रहे हो चोर था, काहे की ऑनेस्टी, चोर था, पूरी एक नंबर का चोर था। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो भाई एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से, और एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनना, कैसे इसमें कीवर्ड डाले गए हैं, इन सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, एक एक चीज बड़े काम की होने वाली है आप सभी लोगों के। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हरी सिंह इज अ बॉय, सबसे पहली बात, तो हरी सिंह जो था वह एक मौड़ा था। और देखो कितने, जब कभी भी किसी के कैरेक्टर स्केच के बारे में बात बताई जाती है तो किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन कितने ब्रीफ में दिया जाता है, इज अ बॉय ऑफ 15 ईयर्स, He was experienced and successful in thief. वो एक्सपीरियंस भी था और सक्सेसफुल भी था थीफ में। अब वो सक्सेसफुल क्यों था? He was successful because of his cleverness and intelligence. क्योंकि वो क्लेवर इतना था, इस वजह से वो इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट इतना था, इस वजह से वो सक्सेसफुल था। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, जब एग्जामिनर तुम्हारे सामने होगा तो किस तरीके से तुम लोगों को पोर्ट्रे कर रहा होगा, अच्छा एज का डाटा सही लिखा है, जो वर्ड्स जिन कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिस तरीके के से एक्सप्लेनेशन किताब में की गई होती है, अगर वैसे ही कीवर्ड्स का अगर आप यूज़ कर रहे होते हो अपने आंसर लिखने में, तो टीचर वहाँ पर समझ जाता है भाई इसने स्टोरी डीपली पढ़ी हुई है और अच्छे से पढ़ी हुई है। ही प्लान्ड एवरीथिंग मेटिकुलसली, अब यहाँ पर कोई भी कुछ भी वर्ड यूज़ करता है, मेटिकुलसली का मतलब होता है कि सूक्ष्म रूप से, बारीक रूप से, बारीकी के साथ वो देखता था कि यार अब अगर अगला मेरा जो शिकार है मुझे उसको किस तरीके से फंसाना है, उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठी करता था। यहाँ पर बिफोर चूजिंग हिज विक्टम ही वेंट टू प्लेसेस वेयर, देखो वो उस जगह पर जाता था, ही वेंट टू द प्लेसेस टू मीट अनएक्सपेक्टेड विक्टम, तो भाई वो जाता था ऐसी जगहों पर जहाँ पर उसे कोई ना जानता हो, क्योंकि आप जानते हैं कि वो हर महीने नाम बदलता था, तो वो हर बार नई जगह पर जाता था जहाँ पर उसे कोई ना जानता हो, फिर चौड़ में घूमता था और वहाँ पर पागल बनाने की कोशिश करता था लोगों को। इसके बाद ही वुड देन विन हिज कॉन्फिडेंस, भाई उनका कॉन्फिडेंस जीतता था, जॉब ले लेता था, भाई कॉन्फिडेंस जीतता था कि भाई, और कॉन्फिडेंस जीतने के लिए वो हर एक प्रयास करता था, क्योंकि वो क्लेवर था, इंटेलिजेंट था वो, भाई सामने बैठा वो जैसे अनिल था, अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था, वो आया वगैरह कि भाई तुम भी रेसलर कैसे लगते हो, डोले शोले बढ़िया तुम लगते हो सच में, मजाक से हटके, मतलब वो मक्खन लगाता था। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम ही यूज टू रन अवे आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम देयर, पैसे चुरा करके भाग जाता था। देन ही यूज टू चेंज हिज नेम, भाई ऑब्वियसली बात है जब वो पागल बना देता फिर नई जगह जाएगा, सेम नाम से तो रहेगा नहीं, पागल बना देता पुलिस से बचने के लिए, झूठा था ही वो, ठीक है, पुलिस एंड फॉर्मर एम्प्लॉयर्स,
He was liar. He got a job of cook. भाई अनिल के यहाँ पे उसकी किसकी जॉब लगी थी? कुक की जॉब लगी थी, और जबकि उसको खाना भी बनाना नहीं आता था. इससे ये भी पता चलता है कि जो अनिल था वो बहुत ही गऊ आदमी था. गऊ लिख मत आना बेटा. Through he could not cook well. He was a greedy boy. ठीक है. He was cruel enough to rob a simple trusting man like अनिल. वो अनिल तक को धोखा देने के लिए तैयार था. और इस बात को ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, he is cruel enough to trusting a man like अनिल. भाई जब कभी भी मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, इस बात को ध्यान रखना कि आपको यही सिखाया जाने वाला है हमारी गूगल मीट में, कि कैसे तुम कौन सा कीवर्ड कहाँ लगाओगे, कौन से चैप्टर के कौन से कीवर्ड्स हैं जिनका ध्यान रखना होता है, लिटरेचर में कैसे पूरे नंबर मिलते हैं, कैसे नंबर कटते हैं, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में तो तुम प्री बोर्ड में भी लिख के आए थे पर नंबर कटे, अपनी लैंग्वेज में तो हमने लेटर भी लिखा पर नंबर कटे, अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से हमने पैसेज भी किया पर नंबर कटे, पर अगर टीचर की गाइडेंस में कर लिया सारे नंबर मिल जाएंगे. फिर इसके बाद और करना क्या, सिर्फ 9658588 पे व्हाट्सएप करना है. सो बट देयर इज ही वाज एबल टू स्टील 600 रुपीज, और वो जो 600 रुपीज के साथ अगर आपने एक बात और ऐड कर दी कि वो 50-50 के नोट से और 50s from his house, but there is transformation in the end of the story. He decided to come back to Anil and keep the trust alive. This shows that there is goodness concealed in even the worst of men. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने आखिर में यही बात बताई कि कोई कितना भी गंदा हो, कोई कितना भी बेकार हो, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई छुपी ही होती है. और इवन ये बात हर जगह पर अप्लाई भी होती है. तो बच्चों यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को एक आंसर बताया कि लॉन्ग आंसर को कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, पर हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है तो, और मैं कीवर्ड की भी कुछ कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन इसकी सारी पीडीएफ बच्चों उन वाले बच्चों को ऑलरेडी दे दी गई है, तो वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुमसे आगे निकल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बच्चे, तो उनसे उन्हें आगे मत जाने दो. मैंने बता दिया तुम्हें करना क्या है. ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें. लव यू ऑल बच्चों.